दिल धक धक करने लगा से लेकर तो आंखों से तूने क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, ऐसे कई ऐसे सॉन्ग है जिसमें दिल को धड़कने का मतलब होता है कि प्यार होना, लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। दिल धड़कने का मतलब दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में या ऐसे कुछ इंडिकेशंस के बारे में जानेंगे या समझेंगे जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि हो सकता है ये संकेत आपके दिल की कुछ बीमारियों की तरफ जा रहा हो। काफी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें बहुत पहले से ही दिखाई देने लगते हैं, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होते हैं तो उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई लक्षण ऐसे हैं जो हमें बहुत पहले से महसूस होते हैं और हम उसकी सीवियरिटी को नहीं जानकर या कोई भी मेडिकेशंस लेकर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। उम्र छोटी हो चाहे फिर बड़ी हो, अगर किसी भी उम्र में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अलग सा महसूस हो रहा है या कुछ लक्षण जैसे महसूस हो रहे हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत होती है। और उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको जब भी कभी आपको दिल की बीमारी का जब भी कोई पता चलता है या आपको अचानक से या कोई रूटीन चेकअप के दौरान जब भी कभी आप ECG वगैरह करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं उस दौरान पता चलता है, तब तक जो सीवियरिटी होती है, जो गंभीरता होती है आपके दिल की बीमारी की, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि हमने जो छोटे मोटे जो हमें लक्षण दिखाई दिए हमने उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो कभी भी हमें देर होने से पहले कुछ ऐसे बीमारियों का पता हम लगा सकते हैं कुछ लक्षणों के आधार पर, या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में अगर हमें पता होगा तो हमें बहुत ज्यादा सीवियरिटी नहीं होगी और हम उस प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप अगर मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियो को समझने के लिए, जानने के लिए मेरे इस वीडियो को या मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप इसी तरह हेल्थ रिलेटेड वीडियो को देख सके और उसका बेनिफिट जो है ले सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से लक्षण होंगे जो आपको सीधे सीधे बताते हैं कि आपको कहीं ना कहीं बीमारी है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो होता है अत्यधिक मात्रा में आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होना और सांस का फूलना, और ये बहुत ही अहम लक्षण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है जिसको हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब माना कि आपके ऊपर काफी ज्यादा काम का प्रेशर है, अभी लाइफस्टाइल जो है हमारी काफी ज्यादा चेंज हो गई है, बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली जिंदगी है और ठीक तरीके से हम पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, हमारी डाइट पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और कुछ फास्ट फूड खाकर हम अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हम ये फास्ट फूड खा रहे हैं या हम ठीक तरीके से डाइट नहीं ले रहे इसी की वजह से हमें थकान महसूस हो रही है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जो हैं या जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसकी थकान कुछ अलग ही होती है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे ही बैठे हैं और अब तक कोई भी एक समय है और आप एकदम रिलैक्स बैठे हैं, आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको बैठे बैठे ही आपको बिल्कुल भी कमजोरी महसूस होने लगे और ऐसा महसूस होने लगे कि जैसे कुर्सी से उठना भी या बैठना भी आपको काफी ज्यादा मुश्किल होने लगे और कोई भी किसी भी काम में ध्यान लगाना आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत वाला काम हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है या दिल आपका थोड़ा सा मुश्किल में है। थकान के साथ साथ सांसों का फूलना भी एक अहम लक्षण होता है जो कि आपकी दिल की बीमारियों की तरफ आपको बताता है या दिल की बीमारियों की तरफ जाता है, और ये भी एक आम लक्षण होता है। जब आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें खून जो है जमने लगता है और दिल आपका ठीक तरीके से इरेगुलरिटीज है या वहां पे वो ठीक तरीके से धड़क नहीं पा रहा है तो जो भी लिक्विड पदार्थ होते हैं वो आपके लंग्स में जाकर कलेक्ट होने लगते हैं जिसकी वजह से आपको सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम भी होने लगती है। साथ ही साथ जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या थोड़ा सा भी कोई काम कर लेते हैं या थोड़ी दूर आप चल लेते हैं तो आपकी सांस बहुत ज्यादा तेजी से फूलने लगती है, तो एक अहम लक्षण माना जाता है। जो अगला लक्षण है वो है सीने में या कंधों में या आपके जबड़ों में दर्द का होना। अचानक उठने वाला सीने का जो दर्द होता है वो आपका हार्ट अटैक का लक्षण में से एक माना जाता है, और अगर बहुत लंबे समय से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ट के आसपास वाले एरिया में आपको पेन हो रहा है, कोई परेशानी है, तो ये दिल की तरफ जो तकलीफें होती है उसका एक कारण बन सकता है। दिल की बीमारियों में उठने वाला जो सीने का दर्द होता है वो थोड़ा अलग होता है,
दिल की बीमारियों में उठने वाला जो दर्द होता है, जो सीने का दर्द होता है, वो थोड़ी सी नींद लेने से या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन ये सीधे सीधे बतलाता है कि आपका दिल जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इसे सीने में जब भी आपको दर्द होता है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इसको यूं ही आपको छोड़ नहीं देना चाहिए। और जब भी कभी आपको बाएं कंधे में दर्द हो रहा है या फिर आपके जबड़ों तक दर्द वो फैल रहा है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत होती है। और कुछ और लक्षण या कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हार्ट की तरफ ये जो सिम्टम होते हैं वो बहुत ज्यादा इंडिकेटेड होते हैं। और जब दिल की बीमारी में इस तरीके का पेन होता है, सीने में दर्द होता है या जकड़न होती है या जबड़ों तक दर्द फैल रहा है या शोल्डर पेन हो रहा है, तो उसमें पेशेंट जो होता है ना कुछ भी खा पी नहीं पाता है ठीक तरीके से, वो कुछ बात नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, तो ये जो लक्षण होते हैं वो हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो वहां पर आपको तुरंत से तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। अगला जो लक्षण होता है वो होता है अपच होना या फिर इनडाइजेशन का होना। जब अपच हो रही है या फिर आपको ठीक तरीके से आपका खाना ठीक तरीके से अगर पच नहीं रहा है तो ये आपके दिल के हो रहे नुकसान की तरफ आपको लेकर जाता है और वो खबर देता है कि आपका दिल जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। एसिडिटी या फिर गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स जो डिजीजेस होती हैं, जो गर्ड होता है, वो केवल पेट से जुड़ी हुई समस्या नहीं होती है। जब कभी आपका दिल ठीक तरीके से नहीं धड़कता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो जो आपके स्टमक एरिया तक जानी है, जो आपके आंतों तक जो खून को पहुंचना है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आपको हो सकती है। तो बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं जब उन्हें एसिडिटी होती है या पेट से संबंधित कोई परेशानी होती है तो एंट एसिड लेकर वो प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब वो कभी ये मेडिसिन को लेना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा और लक्षण जो है देखने को मिल जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप किसी भी तरीके की कोई भी मेडिसिन लें उससे पहले आप एक अच्छे डॉक्टर से मिले और कार्डियोलॉजिस्ट से मिले और अपनी जो भी जांचें हैं वो करवाएं और उससे आप उसके बाद आगे आप कोई भी ट्रीटमेंट लें। अगला लक्षण हो सकता है पैरों में सूजन होना या स्वेलिंग इन दी लेग्स, जो आपके निचला जो पोर्शन होता है वहां पे काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो पैरों में, हाथों में या चेहरे पर कभी भी स्वेलिंग आती है या होने वाली जो सूजन होती है वो किडनी की तरफ इशारा करती है कि आपकी किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है या वहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। उस तरीके की हमको ऐसा फील होता है कि हमारी किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। हालांकि इसके दो कारण हो सकते हैं जो कि आपको सीधे सीधे बताते हैं कि कहीं आपका जो दिल है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है या आपकी दिल की बीमारियों से इसे जोड़ा जा सकता है। सबसे पहला, अगर आपका दिल ठीक तरीके से नहीं धड़कता है तो हो सकता है कि जो आपके निचले अंग हैं वहां तक ठीक तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, वहां पर खून है वो जम रहा है, नसों में जम गया है, जिसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग हो सकती है या आपके पैरों में सूजन हो सकती है। दूसरा, अगर आपके दिल ठीक तरीके से काम नहीं करता है तो जो आप इससे जो किडनी में आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। अगर फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होगा तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आपकी किडनी में ही इकट्ठे होने लगते हैं और बहुत सारे विषैले पदार्थ जो जमा हो जाते हैं वो आगे जाके दिक्कतें सामने लाने लगते हैं। सीधी सीधी बात है, अगर आपका दिल ठीक नहीं है तो किडनी भी आपकी ठीक नहीं होगी, टॉक्सिन्स वहीं जमा होंगे और इसी वजह से आपके पैरों में सूजन आ सकती है। तो पैरों में सूजन होना, ऐठन होना, पैरों में दर्द होना जैसे गंभीर रोग के लक्षण भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे आखिरी में जो लक्षण होगा वो होगा आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो बहुत ज्यादा तेज धड़कने लगती है। जब भी कभी आप एक शांत जगह पर बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं और आपको महसूस हो आपके दिल की जो धड़कन है आपको आपको बाहर से उसकी आवाज सुनाई दे रही है तो ये बहुत ज्यादा डरावनी बात है, साथ ही चिंता का भी विषय होता है। अनियमित या इरेगुलर या बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा अगर आपका दिल है तो जरूर कहीं ना कहीं आपके जो दिल के जो वॉल्व्स हैं, जो हार्ट वॉल्व्स हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उसमें सुधार करने की जरूरत होती है। तो इसलिए सारे जो भी लक्षण है या संकेत है इसे नजरअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लक्षणों को अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो आगे जाके मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है या प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। तो ये थी आज की जानकारी कुछ लक्षणों के बारे में जो सीधा सीधा बताते हैं कि आपके दिल में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। तो छोटी सी बातों से शुरुआत होकर विषय बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है, तो उसे वहीं पर रोकना और उसे वहीं पर ठीक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।